हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएसटीवी पर। आज हम लोग बात करेंगे राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के टाइटल ट्रैक के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का टाइटल ट्रैक अभी कुछ ही देर पहले जी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल पे रिलीज हुआ है। और सच में यार क्या गजब का गाना है ये। मतलब कि यार आप इस मूवी को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, इस मूवी के पुराने गानों को क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन अगर आपको म्यूजिक की थोड़ी बहुत भी समझ है तो आपको ये गाना जरूर पसंद आएगा। और पर्सनली मुझे इस गाने का वेट इस मूवी के अनाउंसमेंट के टाइम से था। जब दबंग 3 के साथ इस मूवी को अनाउंस किया गया था तब तो इस गाने ने तबाही मचा दी थी। और इस गाने की हाईलाइट तो इसका म्यूजिक ही है और उसके ऊपर से साजिद खान की आवाज। मतलब कि यार इन दोनों का कॉम्बिनेशन सुनने में मजा आ जाता है। और मुझे इस गाने का म्यूजिक काफी ज्यादा अच्छा लगा। और जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इस गाने की म्यूजिक में यूज किए गए हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और उन इंस्ट्रूमेंट्स के कारण ये गाना हमें काफी रॉ फीलिंग देता है, जो कि इस मूवी की पहचान है। यानी ये मूवी मुंबई की सड़कों पे बेस्ड है और ये गाना भी हमें वैसी ही फीलिंग देता है। और इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो भी मूवी के साथ काफी ज्यादा अच्छे से सूट होते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि साजिद खान की आवाज ने इस गाने में चार चांद लगा दिए हैं, क्योंकि इस गाने को गाने के लिए एक अलग तरह का स्वैग और स्टाइल चाहिए था और साजिद खान ने ये कमाल कर दिया है। उनकी आवाज काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और जहां तक बात है इसकी वीडियो की, तो इस गाने का वीडियो भी मुझे अच्छा लगा। मेकर्स ने इस वीडियो को थोड़ा रॉ रखा है, जिसके कारण हम इस गाने को मूवी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं। और जहां तक बात है सलमान खान की, तो वो भी इस गाने में काफी अच्छे लग रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस गाने को मूवी में बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज किया जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि मेकर्स इस गाने को मूवी में कैसे यूज करते हैं। बाकी मुझे तो ये गाना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और अगर आपने ये गाना सुन लिया तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये गाना कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।